ये जो वीडियो है आप लोग वीडियो को एंड तक देखना, तभी आप लोग समझोगे। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं ना कि मेन पार्ट जो रहता है वो वीडियो का मिस कर देते हैं, बीच में ले आते हैं वीडियो, या फिर एंड में जाके हर बात सुन के स्टार्टिंग में जो बात की वो आप लोग सुनते नहीं हो। बहुत लोग ऐसे होते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो आज आप लोग के लिए होने वाली है। व्हाट्सअप माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड गाइज। आज की वीडियो ये है कि भाई कल मैं ऐसे ही निकला था शाम में घूमने फिरने, तो गुलचक्कर मेरे घर के पास में एक गुलचक्कर है, तो वहाँ पे बहुत जाम लगा हुआ था। तो जाम के कारण में एक गरीब लड़का था, उसने मेरी कार पे साइड दरवाजे पे साइड डोर पे हल्का सा मतलब ठोक दिया। तो हल्का सा मतलब बहुत माइनर वो हुआ, डेंट हुआ है, और वो तो हम ठीक करवा लेंगे बाद में। लेकिन मैं आप लोग को भी बैक कैमरा करके बाहर जाके दिखाता हूँ कि थोड़ा सा डेंट हुआ है, लेकिन मैंने उसको कुछ बोला नहीं क्योंकि भाई गरीब लड़का था, मैंने उसको कुछ नहीं बोला। और वैसे भी उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि भैया सॉरी यार गलती से लग गया था मुझसे, तो मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं तुम जाओ अपना। उसके बाद मैंने थोड़ा गाड़ी आगे करा, जब जाम हटा गाड़ी आगे करके मैंने देखा तो डेंट पड़ गया था और हल्का सा स्क्रैच आया था जो हमने रॉबिन पॉलिश से हटा दिया। स्क्रैच को हमने रॉबिन पॉलिश से हटा दिया लेकिन डेंट एकदम हल्का सा, अभी बैक कैमरा करके आपको दिखाऊंगा तो वो भी आपको शायद कैमरे में नहीं दिखेगा, बहुत माइनर है। तो इसी बेस में आज हम वीडियो बना रहे हैं और हम आपको ये भी बताएंगे साथ ही साथ कि आपको जब भी डेंट पड़ता है कार में तो आपको बाहर से बनवाना चाहिए या फिर जब आपका इंश्योरेंस है आपको जाके कंपनी से सब कुछ चेंज करवाना चाहिए। वैसे हमारे कार के आगे में बोनेट है, वो भी हल्का सा डेंट पड़ा हुआ है क्योंकि स्कूल के बच्चे, हम जहाँ पे कार लगाते हैं वहाँ पे बाउंड्री है, तो वहाँ बाउंड्री से कूद कूद के स्कूल के बच्चों ने डेंट कर दिया, ठीक है। तो वो भी आपको कैमरे में नहीं दिखेगा, कैमरे में उतने ठीक से नहीं दिखता, लेकिन फिर भी हम आपको कोशिश करेंगे दिखाने का थोड़ा जूम करके या फिर क्लोजली। तो वीडियो को एंड तक देखना और आपको ये भी बताएंगे कि आपको बाहर से ठीक करवाना चाहिए या फिर आपको इंश्योरेंस में ये सब चीज़ कराना चाहिए, और भी बहुत सारी बातें वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो पहले आप लोग मुझे कमेंट करके ये बता दो कि भाई कार कैसी लग रही है। तो अभी आपको ये भी दिखाते हैं, ये हो गया था डेंट हल्का सा, वो भी आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको साइड से दिखाता हूँ, साइड से आपको दिखाने से क्या पता शायद पता चल जाए। हाँ यहाँ पे एकदम माइनर था, एकदम माइनर, क्योंकि क्या हो गया था ना, अब देखो अब भाई गाड़ी रोड में चलेगी तो हल्का फुल्का तो ठोकाना ही है, ऐसा ये नहीं है कि भाई आप एकदम गाड़ी, इतनी बड़ी कार है आपको लगता है कि छोटी सी कार है लेकिन रोड में जब चलती है तो भाई बड़ी ही है, ठीक है। तो मैंने तो भाई बहुत अच्छे से मैं इसको ड्राइव करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं चारों तरफ से देख के ड्राइव करता हूँ, लेकिन अगर रोड में चलेगी तो भाई अब कभी ना कभी कुछ हो जाता तो अब उस पर आप क्या ही कर सकते हो, कितना बचा के आप चला सकते हो, ठीक है। तो भाई गरीब बच्चे से हो गया तो मैंने बोला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। उसने आके मेरे को खुद बोला, मैं कार चला रहा था, उसने आके मेरे को खुद बोला कि भैया आपके कार में हल्का सा लग गया। मैंने बोला कि ठीक है अब क्या कर सकते हैं, अब जाम में फंस गए थे, तो मैंने बोला कि तुम जाओ मैं आगे जाके थोड़ा देखता हूँ। फिर मैंने आगे जाके वही सब जो मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया कि मैंने देखा, और अभी देखो हमारे ये जो बोनेट है यहाँ पे भी हल्का सा देखो डेंट है, ठीक है। हाँ स्कूल के बच्चे लोग कूद गए थे, आपको जूम करके यहाँ से दिखाते हैं। ये जो बाउंड्री आप देख रहे हो ना, ये वाली बाउंड्री है, उसके पीछे में हम कार लगाते हैं, तो वहीं से मैदान में खेलते हैं, तो अभी कूद दूद के सीधा बोनेट में ही कूद जाते हैं, तो क्या करें अब। और यहाँ पे भी हल्का सा हुआ है, बाकी देख लो आप कार ओवरऑल ओके रिपोर्ट है पूरी, हल्का हल्का स्क्रैच तो यार होता ही। अब ऐसा सोचेंगे आप कि नई कार है नई रखनी है, तो फिर वैसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं ना कि भाई बहुत लोग का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर स्क्रैच हो जाता है, टेंशन में आ जाता है कि भाई हल्का सा भी स्क्रैच हो गया गाड़ी में। जिसकी अपनी कार है, जैसे जिसकी अपनी पार्किंग है, उन लोगों का कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग अपना आराम से रखते हैं, लेकिन हमारा खुद का कुछ पार्किंग वार्किंग नहीं है इसलिए हम बाहर में गाड़ी लगाते हैं, तो स्क्रैच कर देते हैं स्कूल के बच्चे लोग, अब क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप लोग देखो यहाँ पे भी स्क्रैच है, हाँ। लेकिन मैं आप लोग को एक और चीज़ बताता हूँ कि ये कार लेने का फ़ायदा ये है, सॉरी ये कलर लेने का फ़ायदा ये है कि इसमें स्क्रैच पता नहीं चलता। अगर आप कोई और कलर लोगे ना, जैसे रेड हो गया, रेडी है ऑल्टो में, रेडी आता है ना, रेड है, वाइट है, और ये किए, हाँ वाइट में भी उतना पता नहीं चलता, लेकिन वाइट की लुक अच्छी नहीं है ना यार, इसीलिए। और रेड तो आप लोग लेके नहीं लोगे नहीं, क्योंकि वो तो एक दहेज वाला कलर हो गया, आप लोग देखे होंगे कि भाई दहेज में रेडी कलर सबको कार देते हैं, तो बचा ये कलर, इसमें आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें एक तो रात में तो एकदम नहीं पता चलेगा, सुबह में हल्का फुल्का पता चलता है, एकदम हल्का फुल्का। देखो अभी हमने रॉबिन पॉलिश मारा तो ये पूरा हट गया, ठीक है, रात में तो पता ही नहीं चल रहा था। वैसे भाई पूरी ओके रिपोर्ट है,
इधर से खाली हल्का सा डेंट आपको फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है, वहाँ पे। और ये दरवाजे में कुछ नहीं हुआ है। तो बाकी अब बातें जो है वो मेरे भाई आपको करेंगे, इंश्योरेंस के बारे में बताएंगे कि अगर एक्सीडेंट होता है या फिर कुछ भी हो जाता है कार में तो इसको बाहर से आपको ठीक करवाना चाहिए या फिर आपको इंश्योरेंस जो आपका बना है वहाँ से आपको सब कुछ चेंज करवाना चाहिए। तो अभी मैं अपने भाई को फ़ोन देता हूँ, कैमरा देता हूँ, वो आपसे बात करते हैं, वो आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा कि गाड़ी का कल एक्सीडेंट हो गया था रौनक से, हल्का सा कुछ साइकिल वाले ने ठोक दिया था। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि बाहर से हम ये छोटा सा ही काम है हम करवा सकते हैं, ठीक, बट क्या है कि मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि बाहर से ना करवाओ। जब तक इंश्योरेंस है कार में, जीरो डेप इंश्योरेंस है, तब तक बाहर से नहीं मत ही करवाओ, क्योंकि थोड़े से के चलते हमें क्या पता वो लोग ठीक से करें ना करें। और वैसे भी आपका इतने से काम के लिए वो लोग 500-400 ले ही लेते, तो इंश्योरेंस क्लेम करवा लो यार, 1100-1200 रुपये में हो जाता है। बाकी और भी कुछ काम है अगर गाड़ी में तो वो भी ठीक हो जाएगा, जैसा कि हमारा बोनेट भी है अभी 10-15 दिन पहले, उसमें भी कोई बच्चे कूद गए थे दीवार से, वो भी पूरा डेंट हो गया है। फिर ये साइड में अभी स्क्रैच लग गया पूरे दोनों डोर पे, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक ही बार इसको इंश्योरेंस क्लेम करवा के दोनों ठीक करवा लूँ, इधर का भी ठीक करवा लूँ, बोनेट भी ठीक करवा लूँ। और एक बैकलाइट भी हमारी जो है क्रैक हो गई है, वो हीट से क्रैक हुई है या फिर किसी ने ठोका है वो उतना मुझे भी पता नहीं है, वो भी ठीक करवाना है। तो उसको भी हमें चेंज करवाना है। तो जब तक इंश्योरेंस है आपके पास तब तक आप इंश्योरेंस क्लेम करवाओ, बाहर से इधर उधर से काम मत करवाओ, क्योंकि मारुति का जो जेन्युइन काम होता है वो सबसे बेस्ट है। जेन्युइनली वो लोग जो एक तरीके से काम करते हैं ना, वो शोरूम वाला काम शोरूम वाला ही होता है बस, ठीक है, ये मैंने नोटिस किया है। और क्या है कि आपको इन फ्यूचर कभी भी कोई दिक्कत होती है तो हैसल फ्री एकदम आराम से आप करवा सकते हो, कोई टेंशन नहीं होता जब तक वो आपका काम करके देते हैं। बाहर से करवाओगे एक अलग सा, फिर वो कुछ ख़राब हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो फिर वहाँ पे जब आप वापस जाओगे ना तो वो लोग बोलोगे कि ये काम आपने बाहर से करवाया है, वारंटी वॉइड होगी, ये दिस दैट, ये सब बहुत होता है। तो क्यों रिस्क लेना है जब तक इंश्योरेंस है, 7 साल तक रहता है आपका इंश्योरेंस, जीरो डेप इंश्योरेंस हमारा भी है, इंश्योरेंस क्लेम करवा लो, हम भी वही करवाएंगे। तो ये छोटा सा हमारा कल हो गया एक्सीडेंट यार, बड़ा ख़राब लगा, गाड़ी में हम एक भी खरोच नहीं लगने देते, बट फिर भी हो गया, क्या कर सकते हैं। अब रोड पे गाड़ी चलेगी तो कुछ ना कुछ तो हल्का फुल्का होगा ही, कितना ही बचा के रखेंगे हम लोग, ऊपर से बाहर भी रहती है हमारी गाड़ी, घर से 100-200 मीटर दूर पे खड़ी रहती है। तो वही आपको मैं सजेस्ट करना था कि ऐसा हो गया गाड़ी पे लगा है अगर किसी के भी, तो आप लोग प्लीज़ इंश्योरेंस ही क्लेम कराओ, बाहर से काम मत करवाओ। ऐसे तो 150-200-300-500 में भी हो जाता है, बट मत करवाइए। और एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जब भी आप मारुति से काम करवाते हो ना तो वो इतने परफेक्टली काम करते हैं कि जब भी आप वहाँ से गाड़ी लेके निकलोगे, जैसे मेरा एक मेजर एक्सीडेंट भी हुआ था रौनक का हाल फिलहाल में, हमारा गाड़ी का, तो उसको मैंने रिपेयर कराया था गाड़ी को, वो लग ही नहीं रहा था कि गाड़ी मतलब कहीं से भी एक्सीडेंट हुई थी, मतलब वो इतना परफेक्टली काम करके देते हैं जहाँ से हम काम करवाते हैं, मतलब उनका वहाँ के वर्कर्स का हाथ, वहाँ के जो भी है बहुत, मतलब वो एकदम स्मूथली वो लोग करते हैं, 7-8 दिन 10 दिन में गाड़ी पूरी नई बना के दे देते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाते। तो यही सही है, आपकी इंश्योरेंस क्लेम कराओ मारुति, ये सब चीज़ में मैं बता रहा हूँ ना, इंडिया में सब बोलते हैं टाटा ही कार ले लो, ये ले लो, ठीक है सब कंपनी अच्छी है, हुंडई भी अच्छी है, लेकिन अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो मारुति के साथ, हमारे पास घर पे 2-3 गाड़ी मारुति की है, 3-4 गाड़ी मारुति की है हमारे घर में, हमने जितनी भी गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम करवाया या कुछ भी काम करवाते या सर्विसिंग या कुछ भी हो, वो इतने परफेक्टली करके देते हैं, जान पहचान भी है हमारा, वो उतना टेंशन हमें होता नहीं है, तो एकदम हैसल फ्री और बहुत अच्छे तरीके से करके देते हैं। सो गाइस जब हम लोग का स्क्रैच हुआ था तो हम लोगों ने ये यूज करा है रबिंग कंपाउंड, एंड साथ ही साथ हम लोगों ने यूज करा है वैक्स पॉलिश, जो कि वैक्स पॉल का है, दोनों वैक्स पॉल के। तो अब ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है क्योंकि मैं इसका लिंक वगैरह कुछ नहीं डालूंगा, अगर लिंक वगैरह डालता तब ये प्रमोशन वीडियो होते, तो इसका कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये हम लोगों ने पर्सनली बाय करा है और आधा डब्बा खत्म भी हो गया है और ये भी खत्म हो गया ऑलमोस्ट। तो जब भी आपके गाड़ी पे स्क्रैच होता है तो आप लोग पहले इसको यूज़ करें, पहले ये लगाएं। अभी हम आपको डेमो दिखाते हैं बाहर जाके, पहले ये यूज़ करें, इससे स्क्रैच रिमूव होगा और ये उसके बाद पॉलिश लगा ले ताकि आपका स्क्रैच ओवरऑल पूरा हट जाएगा और पूरा क्लीन लगेगा, आपका शाइन भी आ जाएगा स्क्रैच के लिए। हाँ। मतलब मेजर स्क्रैच जिसपे आपका पेंट ही उतर जाता उसके लिए नहीं है, हल्का फुल्का कुछ भी स्क्रैच हो तो उस पर आप लगा सकते हैं। तो अभी हम आपको डेमो दिखाते हैं बाहर जाके। तो गाइस जब भी कार पे स्क्रैच हो तो आप रबिंग कंपाउंड यूज़ करें, और कपड़ा जो रहेगा वो कॉटन का रहेगा, कोई भी कॉटन का आप यूज़ कर सकते हैं, जो प्लेन कपड़ा हो, ताकि आपका जो स्क्रैच है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। तो ये स्क्रैच जो आप देख रहे हो, अभी इसको रिमूव करते हैं,
तो ऐसे आपको रबिन कंपाउंड लगाना है, क्योंकि बहुत लोगों को तरीका नहीं पता है लगाने का, इसलिए हम बता रहे हैं, और बहुत लोगों को पता भी है, तो जिनको नहीं पता है वो ये जरूर देखना कि भाई कैसे इसको लगाना है। ये जैसे हल्का सा स्क्रैच है, देखिए ये जो आप हल्का एकदम स्क्रैच देख रहे हो ना, देखो अभी कैसे ये हट जाएगा, बस रगड़ना नहीं है, हल्का सा ऐसे करके लगा, कॉटन के कपड़े से हल्का सा गीला करके। और यहाँ पे भी जैसे एक है, यहाँ पे भी देखो, हाँ यहाँ पे भी एक है, उस पर भी हल्का सा ऐसे लगा देना है, जहाँ जहाँ आपकी गाड़ी में स्क्रैच है हल्का हल्का यूज करके उसको लगा के। उसके बाद आपको क्या करना है कि माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इसको पोंछ लेना है, गीला मत कर लेना माइक्रोफाइबर क्लॉथ को, ऐसे सूखे कपड़े से पोंछ लेना। देखो पूरा स्क्रैच चले गया, पॉलिश लगा के थोड़ी देर छोड़ देना। हाँ पॉलिश लगा के थोड़ी देर छोड़ देना। देखो आप लोग स्क्रैच पूरा रिमूव हो गया, इसमें दिख नहीं रहा है, बस दो मिनट बाद इसको हटा देंगे। इसी जगह देखिए आप पूरा शाइन कर लेंगे, तो गाइस जितनी भी इम्पोर्टेंट टॉक थी वो हम लोगों ने आपसे शेयर कर ली, कि आप लोग को बाहर से कार बनवानी चाहिए एक्सीडेंट के बाद, या फिर आपको इंश्योरेंस क्लेम करवाना चाहिए, तो ये सब बातें आप लोग से शेयर कर ली। आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं टेक न्यूज़ के बारे में, जो कि एक दो दिन में हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे, POV वीडियो बनाएंगे, जो कि आप लोग हम लोग एक्सप्लोर करेंगे जमशेदपुर, मतलब घूमेंगे, और आप लोग इन्जॉय भी करोगे वीडियो देखते देखते, और साथ ही साथ आपको टेक न्यूज़ बताएंगे, बहुत अच्छी न्यूज़ है, तो वो वाली वीडियो आप लोग जरूर देखना, और ये वीडियो भी आप लोग जरूर देखना। तो गाइस कार लवर के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है, तो जिन जिन लोग बहुत ज़्यादा कार लवर्स हैं, जिन लोग अपने कार को मॉडिफाई करवाते हैं, उन लोग के लिए तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, तो वो वाली वीडियो आप लोग ज़रूर देखना। अभी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना, एंड जितने भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड कीप सपोर्टिंग।